वहाँ भाषण चल रहा अभी। माननीय श्रावस्ती मुखर्जी जी का संबोधन शुरू होने वाला है, कृपया आप लोग शांत बना रखिए। श्रावस्ती और बहराइच से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, श्रावस्ती में प्रभारी मंत्री श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ददन मिश्र जी, विधायक श्री राम फेरन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेश शर्मा जी, मनीष गुप्ता जी, जनपद बहराइच में माननीय सांसद श्री अछेवर लाल गौड़ जी, विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, विधायक श्री सुरेश्वर सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री श्याम करण टेकड़ीवाल जी, पूर्व विधायक श्री अरुण वीर सिंह जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रज्ञा त्रिपाठी जी और दोनों स्थानों पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं आज जनपद श्रावस्ती और जनपद बहराइच की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए अपने प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आ रहा था। आपने देखा भी होगा कि हमारा हेलीकॉप्टर बहराइच के ऊपर से होते हुए श्रावस्ती की ओर जा रहा था, लेकिन श्रावस्ती में तेज आंधी और तूफान के कारण हम लोग श्रावस्ती में नहीं पहुंच पाए और देखते ही देखते बहराइच में भी मौसम ने करवट ली और उन विपरीत परिस्थितियों में दोनों स्थानों पर लैंड करने में जब पायलट ने समर्थता व्यक्त कर दी तो मुझे वापस प्रदेश अध्यक्ष के साथ लखनऊ वापस आना पड़ा है। दूसरी बार इन दोनों स्थानों पर कार्यक्रम स्थगित होने के लिए और आप सब वहां पर उपस्थित हुए, आपको सभी को कष्ट हुआ है। मैं सबसे पहले आप दोनों स्थानों पर उपस्थित जितने भी हमारे उपस्थित नागरिक बंधुगण हैं, भाई बहन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सब के प्रति इस अवसर पर कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण हमें वापस आना पड़ा है, हमें इसका हार्दिक खेद है, लेकिन आप सबके उत्साह के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रावस्ती और बहराइच दोनों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की एक पवित्र साधना स्थली रही है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक चातुर्मास इसी स्थान पे व्यतीत किए थे। देश और दुनिया अपार आस्था के साथ श्रावस्ती को देखती है। देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों का केंद्र बिंदु श्रावस्ती है और इसलिए श्रावस्ती के विकास के लिए सरकार ने पहले से ही इस जनपद, इस कमिश्नरी के तीन जनपद जो आकांक्षात्मक जनपद हैं,
उनके विकास की एक ठोस कार्य योजना बनाई है। वहाँ के पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिर नए एयरपोर्ट के विकास के लिए, हम लोग जहाँ तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं आज 390 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे श्रावस्ती में आना था, लेकिन वर्चुअली मुझे इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की घोषणा करनी पड़ रही है। मैं श्रावस्ती से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का, उपस्थित नागरिकों का इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ जिसमें इस जनपद के भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से संबंधित इन सभी परियोजनाओं के लिए हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को जनपद श्रावस्ती के लिए दिया है, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहराइच का अपना महत्व है, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से। बालार्क ऋषि का पावन साधना स्थली रही जनपद बहराइच, महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम का साक्षी रहा है। आप सब जानते हैं फरवरी 2021 में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के ऐतिहासिक विजय स्थल पर एक बहुत विराट स्मारक बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, जो भविष्य में बहराइच को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करके उसके गौरव और उसकी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आज मैं बहराइच जनपद से जुड़ी हुई इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित होता और इन परियोजनाओं के माध्यम से वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनमानस के साथ संवाद बनाता। लेकिन हम सब जानते हैं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण बहराइच में भी हमारा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और मुझे वापस लखनऊ आना पड़ा है। आज बहराइच से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, इनमें 144 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का है, जिनकी कुल लागत 221 करोड़ रुपए है। इसमें 76 परियोजनाएं 160 करोड़ रुपए की हैं, जिनका लोकार्पण और 68 परियोजनाओं का शिलान्यास, जिनकी लागत 60 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक है। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, हमारे विधायकगण जब पूरा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तब विकास की इतनी ज़्यादा परियोजनाएं आ पाती हैं और आज उसका लाभ बहराइच जनपद भी ले रहा है। बहराइच में मुझे लगातार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी पिछले दिनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरा का उपरांत भी मुझे बहराइच से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आना पड़ा था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के तहत 10 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 25 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डाइनिंग हॉल, 7 विकास खंडों के पंचायत भवन तथा सामुदायिक शौचालय, भक्तापुर, बहरिकपुर, मुस्तफाबाद में राजकीय हाई स्कूल, चहलवा, अलिया और जगुनिया में राजकीय हाई स्कूल के मुख्य भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरदहा कलहा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गोड़िया नंबर 1 में कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा, तहसील प्रयागपुर के भवन का निर्माण, ऋषिया मंडी समिति में 5000 मीट्रिक टन के गोदाम, 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र केसरगंज से संबंधित लाइनों के निर्माण
और 8 मार्ग परियोजनाओं तथा एक सेतु के निर्माण, ताभिरवा तहसील मैसी स्थित बृहद गौ संरक्षण केंद्र के लोकार्पण को करते मुझे बहुत अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। साथ ही साथ शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेरोदाकल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चित्तौरा में छात्रावास, किसान कल्याण केंद्र विशेश्वरगंज, अग्निशमन केंद्र नानपारा के आवासीय और अनावासीय भवन, 18 मार्ग परियोजनाओं, नवीन थाना मटेरा का प्रशासनिक भवन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर विछला, स्वर्ण जयंती पौधशाला तथा राजकीय पौधशाला में बाउंड्री वाल का निर्माण, एग्री सर्विस सेंटर सोहरवा खुटेना हुजूरपुर मार्ग पर महाणा प्रताप द्वार, खुटेना गिनोना मार्ग पर परशुराम द्वार, माधो रेती शेख दहीर मार्ग पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, विछला सोहरवा ता फुलवरिया में एनिमल सेट, फुलवरिया तथा टेपराहा में मिनी स्टेडियम, चाकू जोत बिछला ता गुलहरिया में सोलर कोल्ड स्टोरेज, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 20 ग्राम में स्वीकृत विकास कार्य, टेपरवाहा में मंडी का निर्माण, मल्टी पर्पज हॉल चाकू जोत ता कम्युनिटी हॉल गुलहरिया, 5 ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल, प्रयागपुर में खड़ंजा कार्य की परियोजना, ये सभी परियोजनाएं आज शिलान्यास हो रही हैं। इन सब के लिए भी मैं आप सभी बहराइच में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को और उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ यह जनपद हम सब के गौरव और गरिमा का प्रतीक है। याद करिए, आज से 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी आक्रांताओं को जिस तरीके से नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, आज भी वह शौर्य और गाथा वहाँ के लोकगीत और परंपराओं में गाई जाती है। यह शौर्य और पराक्रम आज भी बहराइच के जन जन में देखने और वहाँ पे सुनने को प्राप्त होती है। विकास की इन सभी परियोजनाओं का लाभ आप सभी बहराइच वासियों को प्राप्त हो सके और ख़ास तौर पर जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, सरकार की यही मंशा है। बहराइच भी एक आकांक्षात्मक जनपद है। बहराइच में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि संबंधी सभी कार्यों की दिशा से सरकार की द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, आज उसी का परिणाम है कि 2 वर्ष पहले बहराइच में महाराज सुहेलदेव जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के कार्य के शुभारंभ के साथ ही वहां पर इस मेडिकल कॉलेज ने इस कोरोना महामारी में नागरिकों को बहुत राहत दी। अन्यथा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा कमज़ोर होता तो कोरोना जैसी महामारी का सामना उत्तर प्रदेश जैसी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में हो पाना अत्यंत दुरूह कार्य होता। लेकिन सफलता हमें तब प्राप्त हुई जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का विगत 7 वर्षों के अंदर जो अवसर प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने है कि आज देवीपाटन मंडल के 3 जनपदों में हम सरकारी मेडिकल कॉलेज देने में सफल हैं। बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर, बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और गोंडा में भी एक नया मेडिकल कॉलेज जिसका शीघ्र शिलान्यास का कार्य होगा। ये सभी मेडिकल कॉलेजेज और श्रावस्ती में भी हम PPP मोड पर एक नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 7 वर्ष पहले एक नारा दिया था, वह नारा देश के लिए मंत्र बना, जिसके तहत विकास की योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने
हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्य आगे बढ़ाया था, आज उसका परिणाम हम सब के सामने देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 42 लाख लोगों को हमने एक एक आवास उपलब्ध कराया है, तो बहराइच जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 1,36,105 लोगों को अब तक आवास उपलब्ध हुआ है और शहरी क्षेत्र में भी 8,462 आवास और मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत 2,049 नागरिकों को, परिवारों को एक एक आवास बहराइच जनपद में अब तक उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 4,85,384 शौचालयों का निर्माण भी जनपद बहराइच के अंदर उस हर गरीब परिवार के पास कराया गया जिनके पास अपने घर में शौचालय नहीं था। यह शौचालय केवल शौचालय नहीं बल्कि यह एक स्वस्थ, प्रत्येक नागरिक के स्वस्थ बने रहने की परिकल्पना को साकार करने और नारी गरिमा की रक्षा का भी एक माध्यम बना है। सामुदायिक शौचालयों में भी 1,036 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अब तक बहराइच जनपद में कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 5,10,741 कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि उपलब्ध हो रही है, जिसमें अब तक 755,16,00,000 रुपये की राशि बहराइच जनपद में किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जा चुका है। ऋण मोचन कार्यक्रम के अंतर्गत 98,945 लघु और सीमांत किसानों के लगभग 50,00,00,000 रुपये का ऋण माफी का कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा पहले ही वहां पर संपन्न किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 51,438 किसानों को 2,33,38,38,00,000 रुपये का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 9,936 लाभार्थियों को 170,73,00,000 रुपये का लाभ प्रदान किया गया है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 7,192 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। 32 रोजगार मेलों के माध्यम से 4,712 लाभार्थियों का समायोजन किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 2,820 प्रसिद्धीय विद्यालयों में 212,66,00,000 रुपये के कार्यों से विद्यालयों के जीर्णोद्धार और उनके सुंदरीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जनपद बहराइच में 3,701 युवाओं को सरकारी सेवाओं में अब तक नौकरी दी गई है। बिना भेदभाव के इतने नौजवान कभी भी सरकारी नौकरी में नहीं आए जितने विगत 4.5 वर्ष के अंदर बहराइच जनपद के अंदर आए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,726 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3,54,414 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 9,064 मजरों का ऊर्जीकरण करने के साथ ही 2,33,022 परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। भाइयों बहनों, अमृत योजना के अंतर्गत 210 पाइप पेयजल योजनाएं पूरी की गई और 10,220 गृह जल कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 3,18,419 लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी वहां पर प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, बहराइच जनपद आज विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें विश्वास है कि महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम की प्रेरणा से और महान ऋषि बालाक ऋषि के त्याग, तपस्या और उनके आशीर्वाद से बहराइच जनपद आज जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके लिए मैं बहराइच जनपद के अपने दोनों माननीय सांसद
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सचेवर लाल गौड़ जी, हमारे जो माननीय विधायकगण वहाँ पर हैं, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी और पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। जिला प्रशासन इनके साथ कदम से कदम मिला करके वहाँ पर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और बहराइच की पूरी जनमानस को, जिनके साथ आज संवाद बनाने के लिए मुझे और प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रत्यक्ष आना था, वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं आप सबको हृदय से वहाँ पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की इन परियोजनाओं को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के अनुरूप देवीपाटन मंडल के तीनों जनपद बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर को सामान्य और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जनपद के रूप में आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से बहराइच और श्रावस्ती से जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों, सामान्य जनमानस और नागरिकों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। हो गया ना? चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।